And there cannot be a better ambassador for that in Neeraj Prajapati, who is known as the bicycle man of India. नीरज आपने करीब 1,11,000 किलोमीटर साइकिल तो कवर कर लिया है आप अब आपको विदेश से भी अब केवल लोग आपको देश में नहीं जा रहे विदेशों में भी लोगों ने आपको जाना शुरू कर दिया है आपको रशिया से और काफी न्योते आ रहे हैं अभी तक आप आपका जो फोकस रहा है आपका जो केंद्र बिंदु रहा है वो ये रहा है कि हम जो हमारा जैविक खेती है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है उसे हम प्रमोट करें उसे हम आगे लेके जाएं लेकिन अगर आप मिलेट देखें तो मिलेट तो अपने आप एक तरह के यू नो एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है तो बाइसिकल एम्बेसडर बन गए हैं आपको लगता है कि अगर आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे अलग अलग जिले में जाएंगे मिलेट की लोगों से बातें करेंगे तो शायद एक एक न्यू एक मैसेज पूरे देश में जाए जनता में जाए ये जो सो कॉल्ड मिलेनियल्स हैं ये जो आपके सामने जो बैठे हैं हमारी यंगर जनरेशन वो भी अडॉप्ट करना शुरू कर दें एक संदेश आपकी तरह आप मिलेट को कैसे प्रमोट करना चाहेंगे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं 1,11,111 किलोमीटर की जो यात्रा के उसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग ये सभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में ही है सभी खेती प्रकार की तो इसमें अगर आप 5 साल पहले की बात देखें 4 साल पहले की जो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इतना पब्लिक अवेयर नहीं थी इसमें हमने सभी ने मिलकर इस पर प्रयास किया और आज आप कहीं भी बैठेंगे तो किसान या कोई भी कंज्यूमर है जैविक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो जो मैंने अभी पिछले 2 दिन यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की और मुझे जो समझ में आया मैंने देखा और मैं अभी यहाँ से एक शपथ बोलने या फिर एक आप लोग को एक प्रॉमिस करके जाता हूँ कि दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर को कश्मीर से मैं साइकिल यात्रा चालू करूंगा और कन्याकुमारी जाऊंगा और क्योंकि 3,500 किलोमीटर की यात्रा होगी जिसमें 1 महीना खाली मिलेट ही खाऊंगा और इसके साथ में क्योंकि मैं किसानों के घर घर जाता हूँ किसान भाई की समस्या और पूरे भारत के जो 76 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 106 ICAR इंस्टीट्यूट 731 केवी से मैं कनेक्टेड हूँ पूरे इंडिया में इंडिया प्लस 46 हमारे जो CBIR इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड उनसे मैं कनेक्टेड हूँ और मेरा ये मानना है कि जब हमने ऑर्गेनिक को जैसे एक बूंद के तौर से लेके आए तो मिलेट को भी ऐसे लेके आए कहीं ऐसा ना हो कि 1 जनवरी को हम बात करें तो मिलेट के बारे में पूछना पड़े कि मिलेट क्या है तो हमें इसको कंटिन्यूटी रखना है तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो यात्रा होगी इसमें हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने जो सबसे बड़ा प्रयास किया है कि एकदम मिलेट को प्रोसेसिंग में लेके आए फिर उसके बाद ऊपर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की उनको मार्केटिंग की थोड़ी इश्यू है समस्या है तो मैं इस यात्रा में जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं मिलेट्स के उनके प्रोडक्ट या उनके साथ उन मिलकर यात्रा करूंगा और जो भी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे मिलेट की उसकी एक वास्ट ब्रांडिंग भी करेंगे साथ में क्योंकि एक फार्मर ने अगर या एक एंटरप्रेन्योर ने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो उसकी ब्रांडिंग करने के लिए वो किसी बड़े पब्लिक फिगर को बुलाता है तो एक बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज हो जाता है और वो अगर वो चार्ज करेगा तो फिर वो स्टार्टअप कैसे कर पाएगा तो ये हम ब्रांडिंग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो ये मेरा एक प्रयास है कि और मेरा एक दूसरा प्रयास आपसे है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं मेरी उम्र भी 26 साल है और अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ब्रिक्स में भी एज ए मेंबर जुड़ा हुआ हूँ ब्रिक्स काउंसिल में भी रशिया में और अभी नेक्स्ट मंथ में रशिया में भी जा रहा हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा प्रयास है कि हमारे जो यंग ब्रेन है हमारी जो कैपेबिलिटी हम लोग रिस्क बहुत अच्छे से ले सकते हैं इंडियन पर्सन तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिग्री तो कर रहे हैं मार्क्स भी ले रहे हैं डिग्री पेपर भी ले रहे हैं डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर आपको टैलेंट लेना है आपके यहाँ एक जो इंस्टीट्यूट है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है तो मैं चाहता हूँ कि आपके मन में थर्ड ईयर तक जॉब का ऑप्शन ना आके ये आए कि मेरे को क्या एंटरप्रेन्योरशिप करना है आपने जो MSc PhD में जो आप टॉपिक पे कर रहे हैं उसके ऊपर लेके आए बकायदा क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ बहुत सारे यहाँ पर्सन से मिला हूँ मेरा अगर कोई पर्सन याद हो तो मैंने उनसे एक ही चीज पूछी आपका नाम क्या है आप MSc आप MBA कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं किस टॉपिक पे कर रहे हैं और आपका फ्यूचर में क्या प्लान उसके ऊपर है तो मैं ये चाहता हूँ जिस टॉपिक पे आप कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएं नहीं तो क्या होगा आप रिसर्च करके उसको कागज में फिल करके उसको रख देंगे फिर नेक्स्ट पीढ़ी को वही टाइम दोबारा वेस्ट करना पड़ेगा उसको दोबारा रिकॉल करने के लिए तो आपसे यही निवेदन है कि
कि आप यहाँ से जाएं और देश का भविष्य है, हम देश का भविष्य हम ही है और कोई देश को नहीं बढ़ाएगा, हम ही बढ़ाएंगे, हमें मिलकर काम करना है। और सर मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहता हूँ फार्मर्स के लिए भी कि मिलेट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रमोट कर रहे हैं और हमारे पूरे जनजन सबसे जो मेन इसमें कड़ी है वो हमारे किसान भाई है, क्योंकि दूसरे के अर्थव्यवस्था पे कोई भी चीज रिकमेंड करना या ध्यान देना बहुत आसान होता है। किसान की उसकी इकोनॉमिक्स है, किसान की उसकी अर्थव्यवस्था है। हम लोग कहते हैं कि किसान वही क्रॉप लगा रहा है जिसमें मुनाफा है, जरूरी नहीं किसान हर कोई इंसान सबको अपना घर चलाने के लिए इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था ही चाहिए। अगर उसकी एक भी क्रॉप अपडाउन हो जाती है तो उसके पूरे साल का बजट बिगड़ जाता है। तो मेरा ये प्रयास है कि हम किसान भाई को इन्वॉल्व करके करें। और थोड़ा सा अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और भारत सरकार का भी अप्रोच है कि हम एफपीओस बना रहे हैं, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें मिलेट्स के लिए, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल के बहुत सारे और महाराष्ट्र और अपने छत्तीसगढ़ साइड में बहुत सारे ट्राइबल फार्मर से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी एक ही क्वेरी आती है मेरे पास हमेशा कि सर हम उगा तो ले रहे हैं लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी लार्ज लैंड एरिया नहीं है कि हम ज्यादा उगाएं उसको मार्केट कर पाए। तो मेरा ये प्रयास है हम उन ट्राइब जो किसान है हमारे जनजाति उनको साथ लेके चले और इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाए साथ में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और इंटरनेशनल लेवल पर तो कर ही रहे हैं लेकिन हमको गांव-गांव इसको प्रमोट करना है। तो मैं आप सबसे निवेदन एक और करता हूं कि जो ये 1 दिसंबर की यात्रा होगी मैं इसके आपके साथ पूरा शेड्यूल शेयर करूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब ये यात्रा जाएगी तो यहाँ से जीटी रोड से होती हुई जाएगी निफ्टम से, तो मैं चाहूंगा उस दिन का एक दिन मैं स्पेशल में अरेंज करूंगा, क्योंकि 3,500 किलोमीटर रहेगा और करीबन 30 दिन का समय रहेगा, तो क्योंकि उसमें मेरे को 25 दिन में कवर करना पड़ेगा पर डे 100+ किलोमीटर, क्योंकि उसके बाद मेरे को पब्लिक कनेक्टिविटी आप सबके साथ भी है। तो हम लोग का ये कनेक्ट करना है और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग यहाँ जो डिग्री कर रहे हैं आपके आस पड़ोस में जो भी फार्मर है आप उनको अपने इंस्टीट्यूट से कनेक्ट कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को लेके आइए। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास भी है कि हमारे जो माननीय डायरेक्टर सर ने जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 8 अगस्त को, तो सर ने ज्वाइन करते ही नेक्स्ट 2 डेज के अंदर मेरे को इन्वाइट किया था, आप लोग से सभी फैकल्टी से मैं मिला भी और सर से मैंने डिस्कस भी किया कि हमें निफ्टम को एक ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाना है कि दुनिया में जब भी एंटरप्रेन्योर का नाम आए तो निफ्टम का सबसे पहले नाम आए। अपने एक उत्तर में बहुत सारे उत्तर दे दिए और इतनी तालियां शायद इस उत्तर में कभी ना बजी हो 3600 बजी। ये अगर प्रयास अच्छा हो तो आपने ये मुझे नहीं लगता कि देखिए इन्होंने केवल तालियां नहीं बजाई हैं कि जो भी यहाँ बैठे हैं उन्होंने मन से तालियां बजाई हैं, क्योंकि आपकी खुद की उम्र 26 वर्ष है और आप ऐसा संदेश अपने ही एक जनरेशन में दे रहे हैं। आई एम श्योर अगर आप पूरे कंट्री में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान चाहिए, हमारे शाहरुख खान अमिताभ बच्चन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए रिस्क कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा। मेरा जो पूरा परिवार है जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे काम कर रहा है। मेरे पिताजी हैं जो कि BSF में थे, 22 साल उन्होंने देश की सेवा की है, वो इंजीनियरिंग लाइन से ही थे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। मेरी पूरा 96 से मेरा बर्थडे है, उससे मैंने 22 साल पापा के साथ ही, करीबन 19 साल में पापा के साथ रहा था डिफेंस में। मेरा एजुकेशन भी डिफेंस कॉलेज रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश से हुआ है, तो मैंने वहां से सीखा कि देश के लिए सेवा और हर दिन आखिरी दिन रह के मैं जीता हूँ, क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूँ मैं आपको बताता हूँ घर वालों को ये रहता है कि आप तक आए नहीं, क्योंकि मैं 5 एक्सीडेंट खा चुका हूँ हाईवे पे। तो ये चीज रही है। उसके बाद बताना चाहता हूँ जय विज्ञान में मेरे बड़े भाई हैं, ऑल इंडिया रैंक में डिजाइनर, उन्होंने ऑटोमेशन पे और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं और जय किसान पे मैं काम करता हूँ। और मेरा ये सपना था कि जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठूं तो ऐसी जगह जाऊं जो एक मेरे लिए मेमोरेबल हो। तो 2021 में जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा था तो सीधा मैं ताशकंद पहुंचा था और ताशकंद पहुंच के मैंने सीधा वहां उज्बेकिस्तान में, और वहां पहुंच के मैंने एक चीज पूछी थी, सर ताशकंद में हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने आखिरी सांस ली थी वहां पे शास्त्री जी मार्ग भी है, तो मैं सबसे पहले वहीं हुआ था और मैंने वहां नमन किया था और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी फोटो जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो होते हैं उन तक पहुंचेगी, तो वहां तक भी पहुंची और उन्होंने मेरे को बधाई भी दी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमें मोटिवेशन और रिस्क लेने की हमें जुनून होना चाहिए, चाहे तो हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे या एक्सपीरियंस लेंगे, कभी भी आप जीरो नहीं रहोगे। ये मेरा मानना है। अच्छा मैसेज है, पिछले वर्ष हर शुक्रवार को सेशन होता कर्मवीर पे, अगर शायद पहले हमारी मुलाकात हुई होती तो